खैर हाइट देखना पाजी की, हाइट जितना हाइट है इसकी। वाओ ऊपर ही जा रहा थोड़ा। हेटर खेलने के मूड में तेरा पर शरारती, इसका अलग से ही पता लगता है। हाँ अभी नया कर सकती है, उसकी क्या क्वालिटी है वो ये पता लगता है। ऐसे जो है आप देख सकते हैं पीछे, ये देखो। सो ये देखो, ये भी यहाँ पर एक रॉटवाइलर है पाजी। ये कौन सी कंट्री से इंपोर्ट है? डॉक्टर ये प्योर व्हाइट कलर का पग है। एक बार के लिए तो ऐसा भूले का पड़ सकता है कि फ्रेंच बुलडॉग है ये व्हाइट कलर का। Ayo! What's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का जो बेसिकली ये व्लॉग है, सो ये व्लॉग है एक बहुत ज़्यादा फेमस, यू नो यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा फेमस चैनल का, जिसका नाम है इंजीनियर कैनल, जो कि मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ, और वहाँ पर जो है बहुत अमेजिंग अमेजिंग से जर्मन शेफर्ड्स आए हुए हैं। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ जर्मन शेफर्ड्स के मेल, और आज पूरा व्लॉग जो है इंजीनियर कैनल के ऊपर होगा। तो मेक श्योर आप पूरा व्लॉग लास्ट तक देखिए, और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मिलने वाली है। सो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। अभी फिलहाल पहुंच गए हैं भैया के पास। कैसे हो भैया? ठीक है जी, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी, आप बताइए। तो ये हमारे तरनजीत पाजी हैं, और ये सामने आपको बोर्ड दिख गया है इंजीनियर्स कैनल का। तो मैं आपको तरनजीत पाजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। तरनजीत पाजी जो है, वैसे बाय यू नो प्रोफेशन आप कह सकते हो इंजीनियर, पाजी ने स्टडिंग इंजीनियरिंग की है पाजी, राइट? तो पाजी ये बताओ आपने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी? मतलब इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, राइट? और उसके बाद आपने जो है लाइन बिल्कुल ही चेंज कर ली, बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई इसका लेना देना नहीं। भाई पहली बात तो इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं, पूरी करी है। पूरी करी, अब छोड़ी इन सेंस इंजीनियरिंग आगे, इन सेंस आपने जॉब। क्या है कि भाई मेरा पैशन था स्टार्टिंग से ही, ओके, इधर उधर से कुत्ते पकड़ के ले आना, मतलब पैशन था कुत्तों का। okay. तो पैशन को प्रोफेशन कर दिया फिर, क्या बात है। और फिर एक से स्टार्ट करा, फिर दो से, फिर तीन से, फिर चार से, धीरे धीरे बस अब इसी लाइन में चले गए। वाओ क्या बात, जहाँ शौक भी और फिर इनकम भी, तो सारा बेटर होता है। वाओ क्या बात, खुशी से अपना जो भी करो, जो दिल जहाँ दिल लगे वो चीज करनी चाहिए, क्या बात है। तो भाजी आपको वैसे कितना टाइम हो चुका है अगर हम डॉग्स की बात करें? भाई मैंने 2008 में पहली फीमेल लेके आया था, और मतलब 12-13 साल के आसपास अभी हो चुके हैं। क्या बात, और है? पहले मैंने काफी ब्रीड्स रखे, लेकिन अभी मैं जर्मन शेफर्ड और रॉटवीलर, बस दो ब्रीड में ही। आप पाजी वैसे बेसिकली ब्रीडिंग कर रहे हैं, या आप सिर्फ जो स्टड्स होते हैं बेसिकली उसमें कर रहे हैं आजकल? मेरे पास भैया सारे ही स्टड डॉग हैं, जर्मन शेफर्ड रॉटवीलर के, और सारे के सारे इम्पोर्टेड हैं यूरोप से। ओके, और कि फीमेल्स का क्या है कि फीमेल्स को आपने पपीज वगैरह रेडी करने हैं तो उसमें टाइम देना पड़ता थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, इसलिए मैं सारा मेल डॉग्स ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे शॉप भी है और उसकी वजह से सारे मेल डॉग। तो ऑलमोस्ट आपके पास कितने इम्पोर्ट डॉग्स हैं अगर हम बात करें? सारे इम्पोर्ट हैं मेरे पास, सारे इम्पोर्ट हैं भाई, सारे छह डॉग हैं, छह में से पांच इम्पोर्ट। वाओ, मतलब एक बी आई है, बाकी सभी के सभी इम्पोर्ट है। सो ये पाजी चले अभी? हाँ जी, हाँ जी चलो। तो वैसे मैं पाजी की प्रॉपर्टी आपको दिखा दूं। पाजी ये प्रॉपर्टी कितने उसमें होगी एरिया में? भाई एरिया तो मैंने कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन जो ये है ना डॉग्स का रखने के लिए, ओके, 12x12 का अंदर है और 12x12 का ही बाहर है, मतलब 60 फीट है टोटल। सो सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये इधर तो सर्दी के लिए बनाया हुआ है। ओके, जैसे अभी सर्दी है तो बाहर छोड़ दें, बाकी गर्मी के लिए आगे है वो एसी वगैरह, एसी वगैरह चलते नहीं ना एसी के। अभी फिलहाल ये एक एरिया है, ये देख सकते हो, वहां से उस दीवार से लेकर यहाँ तक रेलिंग तक, ये जो सारा एरिया सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए ही पाजी ने जो है ग्राउंड रखा हुआ है। तो पाजी सबसे पहले मैं आप देख सकते हो एक शेर यानी जर्मन शेफर्ड जो है दिख रहा है। तो ये कौन सी कंट्री से इंपोर्ट है? ये लेटेस्ट इंपोर्ट है, राइट? लेटेस्ट इंपोर्ट है, लॉन्ग हेयर। इसका नाम है लीडर रेड हाउस, रेड हाउस के नाम से है ये। वाओ, रेड हाउस कैनल बहुत फेमस है, मैंने सुना है उसके बारे में, राइट? क्या बात है। तो ये आप देख सकते हो लॉन्ग हेयर्ड जर्मन शेफर्ड, जिसको हम लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड भी। हाँ भाई देखते कैसा लगा? बहुत सुंदर है, खतरनाक है। हाइट देखना पाजी की, हाइट जितना हाइट है इसकी। वाओ ऊपर ही जा रहा थोड़ा। हेलो, ये काटता तो नहीं पाजी, अग्रेसिव तो नहीं है? ये देख सकते हो पाजी ने सिर्फ एक स्पेशल अलग से केज निकाला है थोड़ी टाइम के लिए, और उसके बाद ये जो सारा ग्राउंड है ये सारा डॉग्स के लिए। और ये ही एनवायरनमेंट मैं आप सभी को बोलता हूँ कि अगर आप बड़ी ब्रीड रख रहे हैं, ठीक है, अगर आप बड़ी ब्रीड को ज़्यादा पसंद करते हो, तो आपके पास एटलीस्ट इतना एरिया तो हो जिसमें आप डेली उसकी यू नो रनिंग करवा सकते हैं, करवा सके और उसको एनवायरनमेंट अच्छा दे सके, है। तो यहाँ पर अभी एक रॉटवाइलर का पपी है, आप ये देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का पपी है रॉटवाइलर का। वाओ, सो ये जो है इसका डॉग का नाम है लीडर, है, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अभी इसको स्टैक लगा रहे हैं, जो बेसिकली जर्मन शेफर्ड की क्वालिटीज जो हम जिसको पता कर सकते हैं उसकी क्या क्वालिटी है वो ये पता लगता है। ऐसे जो है आप देख सकते हैं पीछे, ये देखो एंगुलेशन हम इसको कहते हैं, पिछली साइड से जो है लेग्स की यू नो पोजीशन देखो, और जो है इसकी पिछली लेग्स जो है इसके हुक्स देखो, और ठीक है। तो ये चीजें जो है आप जर्मन शेफर्ड में एक प्योर
यू नो ये तो चलो इंटरनेशनल है, बट अगर आप एक प्योर जर्मन शेफर्ड देखना चाहते हो तो ये जो है एक ब्रीड का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये लॉन्ग हेयर्ड है, पूरा ब्लैक फेस है एज यू कैन सी। क्या सो ये देखो, ये अभी यहाँ पर एक रॉटवाइलर है। पाजी ये कौन सी कंट्री से इम्पोर्ट है? ये सेम यूरोप से है, यूरोप से ही है। और ये टिमिटोर के नाम से। क्या बात है, इज सन ऑफ डॉक्टर टिमिटोर। वाओ, इसको देखो, तुम सारे काम को छोड़ो, तुम लीडर को देखो। लीडर, हाय लीडर। लीडर का फेस देखना, दिस इज व्हाट वी कॉल क्वालिटी ब्रो। सो अभी देखना रॉटवाइलर और ये, क्या बात है। तो अभी हमने एक थंबनेल के लिए फोटो लेते हैं, और हो सकता है वो फोटो अगर अच्छे है तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, और हाँ मेक श्योर आदित्य को उसके इंस्टाग्राम पे और तरनजीत पाजी को उनके इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए हैं, तो आपने वहाँ सबको जाकर फॉलो कर लेना, याद से कर लेना। सो ये है पाजी का जो है सर्बिया से इम्पोर्ट रॉटवाइलर, इसका नाम है डॉक्टर। वाओ, इसको आपने रिंग में अभी लेके गए हो पाजी? अभी अच्छा वैसे है, इन फ्यूचर प्लान? एक बार में ना एक ही डॉग ट्रेंड होता है, ओके जो रियलिटी तो है, ओके आप दो तीन डॉग पे फोकस करोगे तो नहीं हो पाता। तो अभी फिलहाल सिर्फ इसको स्टड के लिए ही आप यूज कर रहे हो? स्टड के लिए यूज कर रहा हूं मैंने इसको। मुंह देख इसका यार तू, पिछले साल जिफ्ट को करा है, अब की बार ये हाथ लगा लेता है। हां हां कुछ नहीं, बिल्कुल टेंपरामेंट वैसे ही है इसका। वही चीज है। वाओ नाइस, इसको लगता है, इसका लगता है डर भाई रॉटवाइलर। यार इसकी अगर आप हेल्थ देखोगे ना, क्यों गुस्सा हो रहा है मुझसे? बहुत जाना है यार। इसको ले चल बोल के। सो भाई ये दित्ते से खींचे नहीं रहा वो। यहाँ से इधर फेस करो इसका। वो जोटेड़ा का फेस। अलग। अलग। डॉक्टर। अरे। डॉक्टर। बस। तो भैया के पास ना एक लॉन्ग कॉट, दो लॉन्ग कॉट के जर्मन शेफर्ड है इम्पोर्ट, और एक है सिंगल कोटेड जर्मन शेफर्ड। तो अभी सिंगल कोटेड जर्मन शेफर्ड को पाजी लेकर आए हैं, तो मैं आपको सिंगल कोटेड जर्मन शेफर्ड दिखाता हूँ। पाजी इसका नाम क्या है? मैक्स। मैक्स नाम है इसका? मैक्सिमस जेडसन डॉग। वाओ, मैक्सिमस जो है ये भी इम्पोर्ट है। पाजी इसकी एज कितनी होगी? ऑलमोस्ट हो गया अभी 3 साल से 1-2 महीना। वाओ क्या बात है। तो ये 3 ईयर ओल्ड है, और आप जो है बेसिकली इसके कलर देखोगे ना आप, इसकी कलर अगर आप वीडियो में, अगर वीडियो जस्टिस कर पा रही है इसके कलर का, तो बहुत बिल्कुल रेडिश कलर है इसका, ठीक है। वाओ, तो पाजी इसको स्टैक लगाते हैं एक बार। पाजी आप इसका भी, उसका भी बता रहे थे, लीडर का और इसका कोई बाय ब्लड रिलेशन है क्या? ये लीडर का अंकल है। अच्छा, मतलब बाय ब्लड इनकी एक ही ब्लडिंग है, राइट? वाओ, सो मेरे हिसाब से अगर इसके साथ कोई अच्छी फीमेल हम यूज करें, यू नो बेसिकली ब्रीड करें, तो हम उस क्वालिटी का हम पैदा कर सकते हैं इससे। वाओ, ये वो चीज निकाल देगा। क्या बात है, तो ये अच्छा प्रोड्यूसर, हम ये चीज कह सकते हैं। वो देखिए पागल है। वो तो मस्ती में हो रहा है। वो देखो उसकी, इसको तो खुशी है ही है, बट उसको सबसे ज्यादा खुशी है। वाह, हाँ क्यों खेल रहे हो? तो ये है इनका एक और डॉग जो कि इम्पोर्टेड है, जिसका नाम है ज़िफ्ट, लॉन्ग हेयर्ड है। वाह, वाह। सो ज़िफ्ट के जो हैं, जब लास्ट टाइम आदित्य के घर जब जर्मन शेफर्ड के पपीज हुए थे, तो वो ज़िफ्ट के ही थे उस टाइम, ज़िफ्ट से ही जो है क्रॉसिंग कराई गई थी। भैया इसने चैंपियनशिप काफी निकाल रखी है ना ज़िफ्ट है? नहीं, जिफ्ट मैंने ऑल ब्रीड में नहीं शो करा। अच्छा, ओके। नहीं, स्पेशलिटी में तो किया था, स्पेशलिटी में करा है एसडी में। वाओ क्या बात है। राइट नाउ जिफ्ट इज नॉट इन कंडीशन एक्चुअली। वो देखो दूसरे डॉग्स शो नहीं ट्रेनर तैयार कर रखा है। सो पाजी इसकी कितनी एज होगी? 3.5 साल के आसपास। वाओ, तो ये भी जो है जिफ्ट ऑलमोस्ट 3.5 साल के करीब हो गया। तुम्हें इसकी एंगुलेशंस देख रहे हो, तो इसको अभी हमने बिल्कुल नेचुरल ही है, इसको स्टैक में लगाया, और ये इसकी नेचुरली तुम्हें एंगुलेशन पता लग रही होगी। वाओ, साइज देखो उसका डॉग का। यार ये होते हैं जर्मन शेफर्ड, जिसको हम रियलिटी में कुछ स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो लीडर को अभी हमने खुला छोड़ा, लीडर भी भागता है। वो देखो आपस में तीनों के तीनों ना, ये मैक्सी जो थोड़ा सा शरारती है, नहीं तो बाकी तो बिल्कुल ही शांत है। ये देखो इसको देखो, लीडर लीडर खेलने के मूड में है, बहुत शरारती, इसका अलग से ही पता लगता है। हाँ अभी नया बच्चा है ना ये। हाँ, तो इसके साथ भी अच्छी अच्छी फोटो। यार इससे पहली बार मिला है तू बोल के, देखियो कितने प्यार से। हाँ यार पता नहीं बचपन का फ्रेंड हो तेरा। ये मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड होती थी, लॉन्ग हेयर्ड, वो बहुत छोटी थी साइज में, उसका नाम था ज़ारा। तो जर्मन शेफर्ड से मुझे तभी से प्यार है, वो फिर बाद में कहीं चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्यार है उसकी। मैं फोटो यहाँ पर डालता हूँ। तो मेरा डॉग से बहुत ज़्यादा पुराना प्रेम प्यार, आप सभी को पता ही है। तो इनको देखना, ये देखो ये कभी कभी होता है कि आपके चारों तरफ ऐसे खतरनाक जर्मन शेफर्ड्स खुले हों और लड़ रहे हो और आपको कुछ ना कह रहे हो। लीडर ज़िफ्ट,
उसको देखना, मैक्सिको मैक्सी शरारते ज्यादा करता है। सो अभी मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ भैया के पास जो पग है, और इम्पोर्ट है वो पग, ठीक है, पग बहुत ज्यादा इंडिया में इम्पोर्ट है, बट ये पग की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं देख के इतना खुश हुआ, ये प्योर व्हाइट कलर का पग है। तो मैं अभी तुम्हारे को पग दिखाता हूँ तुम। वाह क्या बात है यार, ये प्योर व्हाइट कलर का पग है। एक बार के लिए तो ऐसा भुलेखा पड़ सकता है कि फ्रेंच बुलडॉग है ये व्हाइट कलर का। वाओ, कौन सी कंट्री से है भाजी वैसे? कनाडा से है भाई। वाओ, तो इसको नीचे छोड़ते हैं अभी। चल आजा। देखो भाग गया। सो ये देख रहे हो, लेके चलना पड़ेगा, ये बहुत खराब। इसको तो साल, इसको तो हम भैया लेके जा रहे हैं। क्या मां, हेलो। तो पहली बार आदित्य को कोई पग पसंद आया? हाँ, लाइफ में पहली बार कोई पग पसंद आया। या अगर जैसे किसी सब्सक्राइबर ने, किसी ने आपको, चाहे उसने अपनी फीमेल को मेट कराना हो, क्रॉस कराना हो, और या फिर उसने अपने पप्पी वगैरह आपसे अगर लेना हो, तो आप कुछ आइडिया दे सकते हैं वो आपको किस मीडियम से? क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जितने भी नंबर्स दिए थे उन नंबर्स को बहुत ज़्यादा जो है कुछ लोग जो है जो उन्होंने शरारती तत्व होते हैं उन्होंने बहुत उनको तंग किया था। उपद्रवी होते हैं कुछ ना। हाँ, तो इस करके तो मैं नंबर भैया का नहीं डाल रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं भैया से, उनके इंस्टाग्राम आईडी से है ना भाई? इंजीनियर्स कैनल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज भी है। जिसको कोई बातचीत करनी है, पहली बात तो वहीं पे करे, थ्रू मैसेज करे और आके मिले। और दूसरी बात, बच्चे भी मीटिंग वाले भैया मेरे को परेशान मत करें, स्कैम मीटिंग है सिर्फ, और बच्चे बुच्चे वाला कोई सिस्टम नहीं। जिसका बजट हो वही बात करे, टाइम खराब मत करें। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, तो यही चीज़ बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, आप अपना भी टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, और प्लीज भैया को टाइम बिल्कुल ही मत कीजिए, भैया को तो बिल्कुल ही प्लीज मत कीजिएगा। और भैया लोकेशन जरूर बता दो, कैसे किसी ने आना हो तो इनको मैसेज करो भाई, इनको तंग करो सारे। तो भैया लोकेशन अपनी कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास गांव है मेरा, कुरुक्षेत्र में। NH1 वैसे गूगल पे अगर हम इंजीनियर कैलेट डाले तो डालो गूगल पे और आप यहाँ पहुँच जाओ। बिल्कुल, बहुत सही करके आए भैया, ऐसे मत आए। बिल्कुल, मैं बाकी सारी चीजें जो है जितना भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो मैं और यो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और ये बहुत तंग करने लग गया है। शुक्रिया जो खड़े थे साथ मेरे दो चार लोग, उन सभी का दिल से शुक्रिया।